आगे अनुज है हमारे अगले दर्शक बरेली उत्तर प्रदेश से। पॉलीप्लेक्स के 50 शेयर हैं इनके पास, 2100 के भाव पे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? किरण जी क्या होगी इनको सलाह? पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन राइट? जी 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 ओके। सो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस 2700 के आसपास के हाई बनाए थे, वहां से क्लियरली स्टॉक में एक करेक्शन आया जहां 1500 तक के मतलब 50% काइंड ऑफ करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वीकली चार्ट या तो मंथली चार्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2021 में जो एक ब्रेकआउट लेवल था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो 1500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और साथ ही साथ आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ ये प्राइस में एक उछाल आया है, स्टॉक अपने 20 या 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए अभी। और नए कोई भी इन्वेस्टर को अगर ऐड करना है तो डेफिनेटली आप 1650-1640 तक कोई भी डिप आता है तो आपको लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 1600 के नीचे रखिए, और जिस तरह के टारगेट्स हम देख रहे हैं देयर आर चांसेस कि ये रैली 1830 तक आपको दिखा सकती है। तो 1830 के टारगेट के लिए 1600 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी और जो पोजीशन है उसमें बने रह सकते हैं। तो 1830 के टारगेट के लिए आपको 1600 का जो है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा।